दोस्तों रियलमी ने कॉपी कर लिया है यहाँ पे आईफोन को, जो कि डायनेमिक आइलैंड लेके आ चुका है अपने बजट फोन के अंदर, जो कि 10,000 के प्राइस रेंज में दोस्तों डायनेमिक आइलैंड आपको देखने मिल जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर से किया गया है दोस्तों, बट यहाँ पे बहुत अच्छा टेक था। आज की वीडियो में इसी फोन का करेंगे फुल रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग रियलमी C35 का। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों लेट्स गेट जंप टू द वीडियो। एट दी बिगनिंग दोस्तों शुरुआत करते हैं रियलमी की फास्ट क्विक अनबॉक्सिंग, जहाँ पे आपको रियलमी C55 की ब्रांडिंग के साथ बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे लेयर ऑफ केस के साथ कुछ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे, सिम इजेक्टर टूल किट के साथ कुछ गाइडिंग मैनुअल और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मेरे ख्याल से सब फोन में रहते ही लगभग, और ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस और साथ ही साथ फोन मिलता है जिसको रखते साइड में 33 वॉट का एक सुपर बुक चार्जर, जो कि फास्ट चार्जर है, टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हुए चलते फोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, जहाँ पे आपको फोन का फॉर्म फैक्टर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मुझे पर्सनली फोन का लुक बहुत अच्छा लगा, रियलमी के सारे फोन के लुक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मैं रियलमी को यहाँ पे प्लस पॉइंट देता हुआ चलूंगा दोस्तों डिजाइन के मामले में। बट दोस्तों मेजर कमियां आगे आने वाली जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी जो फोन के कलर का इन्होंने नाम दिया सनफ्लावर, सॉरी सनशावर, कुछ भी तो इन्होंने फोन के कलर का नाम दिया सन शावर, जो कि इंस्पायर है सन फ्लावर से। बाकी फोन का कलर मुझे पर्सनली दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, फोन की डिजाइन भी नो डाउट बहुत अच्छी है, बाकी फॉर्म फैक्टर भी मुझे ठीक ठाक लगा है फोन का। बट दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फैक्टर के मामले में ग्लास बैक होता तो ज्यादा अच्छा होता, बाकी फोन का इन हैंड फील लाजवाब मिल जाता है। फोन का स्लिमनेस भी बहुत ही अच्छा है और इन हैंड फील भी बहुत ही लाजवाब मिल जाता है, 192 ग्राम्स के आसपास का फोन मिलता है। दोस्तों फोन में पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करते हुए चलो तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में मिल जाता है हेडफोन जैक के सपोर्ट के साथ देखने के टाइप सी पोर्ट, साथ ही साथ प्राइमरी माइक्रोफोन के सपोर्ट के साथ मोनो स्पीकर का सपोर्ट, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। एंड दोस्तों राइट साइड आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ पावर ऑन बटन और वॉल्यूम रॉकर देखने के लिए। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा स्लो वर्क करता है, मुझे पता नहीं क्यों इतना स्लो है। बट लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है सिम कार्ड ट्रे, जहां पे आपको डुअल नैनो सिम कार्ड के साथ माइक्रो एडी कार्ड स्लॉट आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर डेट दोस्तों बात करते हैं फोन के अंदर डिस्प्ले की, जहां पे आपको चीन जो मिलती है उस एवरेज साइज की मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको बेजल जो दिखाई देंगे थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देते हैं। सेंटर पंचोल कैमरा के साथ यहाँ पे आपको फोन की डिस्प्ले ठीक ठाक मिल जाती है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच की आपको FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 90Hz रिफ्रेश रेट और 680 nits की पीक ब्राइटनेस, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको डिसेंट मिल जाएगा, आप 4K की वीडियो को वॉच नहीं कर सकते डिस्प्ले के अंदर। बाकी दोस्तों फोन के अंदर आपको जो सेंटर पंचोल कैमरा के साथ मिनी कैप्सूल नाम इन्होंने दिया है, वो जो कि डायनेमिक आइलैंड का कॉपी किया है इन्होंने, एक सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ी नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया एक फीचर को, एक मार्केटिंग करने के लिए दोस्तों उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मल से नोटिफिकेशन आते हैं। बाकी दोस्तों परफॉर्मेंस की अगर बात करते हो चलो यहाँ पे तो आपको मिल जाता है मीडिया टेक की तरफ से हीलियो G88 12nm बेस्ड 4G चिपसेट, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 के आसपास की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। सेम परफॉर्मेंस आपको दोस्तों मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 में मिलता है, बट उससे थोड़ी सी कम आपको देखने मिलती है, डाउनग्रेड बोल सकता हूं मैं, 260,000 के आसपास की आपको एंटीटू स्कोर मिल जाती है, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस है। और LPDDR4X रैम के साथ EMCP की स्टोरेज टाइप दे दी जाती है 5.1 से, मतलब UFS 2.2 के आसपास की स्टोरेज टाइप मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड दोस्तों फोन के अंदर थोड़ी सी कम देखने मिलती है एज कम्पेयर टू UFS 3.1 और 2.2 के आसपास की, बाकी फोन के अंदर आपको सारी चीजें अच्छी मिल जाती है, स्टोरेज स्पीड भी आपको डिसेंट मिलेगी। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करो दोस्तों आपको गेमिंग नॉर्मल टाइप की हो जाएगी, आप हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते फोन के अंदर, 9,000 के प्राइस में दोस्तों ये फोन लॉन्च होगा, डेट मीन्स यहाँ पे आपको गेमिंग के अंदर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे मार्केटिंग के लिए इन्होंने बहुत सी चीजों को दिखाया है, बट यहाँ पे मैं बोलूंगा उतना अच्छा फोन नहीं है। बाकी रैम एक्सपांशन का फीचर मिल जाता है आपको, 8GB तक आप वर्चुअली रैम एक्सपांड कर सकते हैं फोन के अंदर, डेट मीन्स आपका 8GB का वेरियंट लेंगे तो आपको 16GB रैम मिल जाएगा फोन में। दोस्तों चिपसेट 4G, डेट मीन्स यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई के साथ डुअल 4G वोल्टी और वाईफाई 5 के साथ ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट बैटरी की अगर बात करते हो चलो तो यहाँ आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, और इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट की फास्ट टर्बो वुक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि नियर अबाउट आपकी 60 मिनट्स के अंदर फुल्ली बैटरी को चार्ज कर देता है। साथ ही साथ बैटरी बैकअप फोन का नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बाकी सारी चीजें फोन के अंदर मुझे अच्छी लगे या ना लगे, बट बैटरी बैकअप फोन का बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे आपको बैटरी एनिमेशन देखने के लिए मिल जाती है जब आप फोन को चार्जिंग में लगाएंगे मिनी कैप्सूल के अंदर। बाय द वे दोस्तों मिनी कैप्सूल बहुत ही अच्छा टेक था रियलमी की तरफ से अंडर 10,000। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फोन के अंदर सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के मामले में मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI 13 के सपोर्ट के साथ, Android 13 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, 1 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट के साथ 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड करने का यहाँ पे प्रॉमिस किया रियलमी ने। और ब्लॉडवेयर दोस्तों फोन के अंदर इतने सारे मिल जाते हैं कि आपको अनइंस्टॉल करने के बाद भी लगेगा कि कितने सारे ब्लॉडवेयर रियलमी पैक करके दे रहा है। बाकी क्लेंस के अंदर भी आपको बहुत सी चीजें मिल जाती है, मैं पर्सनली ब्लॉडवेयर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, एडवर्टाइजमेंट रियलमी के अंदर पहले से बहुत ही ज्यादा आ गया दोस्तों, जो कि मुझे बहुत ही खराब लगा इस फोन के अंदर। बाकी सारी चीजें फोन के अंदर आप बोल सकते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है, बट ब्लॉडवेयर जिनको आपको इग्नोर करने में भी बहुत ही दिक्कत होगी, और एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं दोस्तों, रिकमेंडेशन भी फोन के अंदर बहुत ज्यादा मिलते, एक
तरह से आप इरिटेट हो जाएंगे इसकी यूआई से। बाकी फ़ोन का एक्सपीरियंस मुझे ठीक लगा है यूआई के अलावा, और फ़ोन के अंदर आपको उतना कुछ खास देखने को मिलेगा। और कभी कभार दोस्तों फ़ोन का चार्जिंग ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको यूआई के अंदर थोड़े से बग ज़्यादा देखने मिल जाएंगे बाकी अदर यूआई की कंपैरिजन में। और यूआई थोड़े से आपको जिटर होते हुए दिखाई देंगे, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे कुछ एप्लीकेशन, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं स्टक होना स्टार्ट हो जाता है यूआई। यूआई का एक्सपीरियंस दोस्तों आपको बहुत ही खराब मिलने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब। अगर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ मैं खराबियों पर, तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में भी मैं उन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊंगा। कैमरा की अगर बात करते हैं चलो दोस्तों, 8 मेगापिक्सल को आपको सेल्फी कैमरा मिल जाती है जो कि डिसेंट है, बट बैक कैमरा दोस्तों बहुत ही ज्यादा खराब है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट या फिर आप बोल सकते हैं एआई लेंस मिल जाती है, जो कि ना आपको इमेज क्लियरिटी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत ही खराब मिलती है। एज डिटेक्शन भी अच्छे से नहीं होता दोस्तों, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की आप क्या ही बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो एजेस दिखाई देंगे इमेज की बहुत ही खराब दिखाई देती है, मुझे पर्सनली कलर फोन के डिसेंट लगे हैं। बाकी दोस्तों कैमरा के अंदर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप अच्छी इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। कैमरा अच्छा नहीं दोस्तों, आप अच्छी इमेजेस कहाँ से क्लिक करेंगे। बाकी 1080 60 fps पे आपको बैक कैमरा से और फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइस की अगर बात करते हो चलो दोस्तों, फोन की डिजाइन के अलावा मुझे फोन के अंदर कुछ और अच्छा लगा नहीं दोस्तों। भले इन्होंने मार्केटिंग के लिए यहाँ पे यूज किया मिनी कैप्सूल, बट दोस्तों यहाँ पे मैं पर्सनली बोलूंगा मिनी कैप्सूल भी वेस्ट हो जाता है अगर यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है तो। एंड दोस्तों प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको जो बेस वेरियंट मिलता है आपको 11,000 का मिल जाता है 4GB 64GB का, एंड उसके हिसाब से आपको प्राइस सेगमेंट का जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। बट बेस वेरियंट भी दोस्तों मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। जो आपको स्पेक्स मिलने चाहिए तो वो सारी चीजें इस फोन के अंदर नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों फोन आपको मुझे पर्सनली पता है कि खराब ही लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, और साथ ही साथ आपके एक सब्सक्राइब से बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है चैनल को। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतने में, मिलता आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।